भारत सरकार टीबी रोग को जड़ से खत्म करने में जुटी हुई है। इस रोग को मिटाने में हिमाचल भी अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। हिमाचल सरकार ने राज्य से साल 2030 तक टीबी रोग को जड़ से मिटाने की प्रतिबद्धता जताई है, जिस कारण अब हिमाचल सरकार ने टीबी मरीजों का इलाज का खर्च उठाने का फैसला लिया है। हिमाचल सरकार ने टीबी उन्मूलन को लेकर एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हिमाचल सरकार सरकारी अस्पतालों और ऐसे अस्पताल जो हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना के अंतर्गत है, उन अस्पतालों में इलाज करवाने वालों को निशुल्क इलाज की व्यवस्था प्रदान करेगी। साथ ही अब मरीजों को सीटी स्कैन और एमआरआई खर्चों का वहन भी नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी भी परिस्थिति में मरीज इलाज का खर्च वहन करता है तो सरकार इलाज का रसीद दिखाने पर पूरा पैसा वापस करेगी। एक प्रदेश भर में एक योजना चलाई जा रही है जिसको मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड हिमाचली पूरे प्रदेश भर में किसी भी सरकारी और एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब जो सरकार की इन योजनाओं के तहत पंजीकृत अस्पताल हैं, अगर वहाँ पर ये लोग अपना सीटी और एमआरआई करवाते हैं तो इनको इसके लिए कोई भी राशि जो है वो व्यय नहीं करनी पड़ेगी। और इन केस अगर कभी किसी को किसी कारणवश राशि व्यय करनी पड़ती है तो सब लोगों को इससे आग्रह रहेगा कि अपना वो बिल और जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को एक निक्षय आईडी, उनका एक खास नंबर उसके लिए जारी किया जाता है, जैसे कैंसर के मरीजों के लिए एक नंबर जारी किया जाता है, वैसे ही ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों को एक निक्षय आईडी दिया जाता है। उस आईडी को क्लेम के आधार पर और अपने बिल को लगाकर वो रिइंबर्समेंट भी क्लेम कर सकते हैं। ये कदम हम समझते हैं बहुत कारगर साबित होगा। जिस तरह से प्रदेश सरकार जो है वो टीबी उन्मूलन को लेकर गंभीर है और आगे कदम बढ़ा रही है, उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, प्रतिदिन जो स्क्रब टाइफस के संभावित मरीज हैं उनका आंकड़ा जो है वो वेरी करता रहता है, परंतु पॉजिटिविटी की संख्या अब कम होना शुरू हुई है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि बरसात का सीजन और खेतों में काम करने का समय जो है वो लोगों का जो समाप्ति की ओर है। तो अभी इस सीजन में हमारे संस्थान में 2 सितंबर को एक स्क्रब टाइफस से एक लड़की की मृत्यु हुई थी जो 22 अगस्त को यहाँ पर भर्ती की गई थी। देखिए, स्क्रब टाइफस ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत लंबे समय से हमारे सामाजिक परिवेश में पाई जाने वाली बीमारी है और इसके लिए जो भी लोग खेतों में काम करने जाते हैं या ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो लोगों के हाथ पैर के हिस्सों में एक पिस्सू के काटने से उनके शरीर में इसका इन्फेक्शन जाता है और उसके बाद हल्के से चकत्ते पड़ना, बुखार, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इस तरह की समस्याएं लोगों को होती हैं। प्रदेश सरकार ने स्क्रब टाइफस की संभावना के चलते इसका जो प्राइमरी सेंटर पे जो इलाज होना चाहिए वो सब चीज़ उपलब्ध है और बहुत हल्के में, बहुत सस्ते में और बिना कोई राशि व्यय किए ये सारी दवाइयाँ जो है वो 100% कारगर साबित होती हैं। और परंतु बहुत बार हमने देखा है कि समय रहते लोग अस्पतालों में जाने से परहेज़ करते हैं और जिस वजह से ये स्क्रब टाइफस की बीमारी जो है वो गंभीर रूप लेती है और लोगों को अपने जान तक गंवानी पड़ती है।